हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, जब घर पे थे तब सुबह सुबह बनाया हुआ नाश्ता मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे तो कोई नाश्ता बना के देने वाला है ही नहीं, और ड्यूटी के चक्कर में सुबह नाश्ता करना भूल ही जाते हैं। संडे के दिन सुबह सुबह कुछ ना कुछ तो नाश्ता बनाना चाहिए। आज संडे है, सुबह सुबह डोसा खाने के लिए बहुत मन कर रहा है, तो मम्मी जी से पूछे, मम्मी डोसा कैसे बनता है। मम्मी जी ने डोसा बनाने की तरीका बताया और हमने डोसा बनाने के लिए ट्राई किए। आइए आपको दिखाते हैं हमने कैसे बनाया मम्मी जी के आइडिया से डोसा। डोसा बनाने के लिए एक कटोरी कच्चा चावल लेंगे, 30% उड़द का दाल लेंगे, 20% चना दाल लेंगे और एक चम्मच मेथी। ये सारे चीज को अच्छे से वाश करके पानी में भिगो के ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिएगा। मिनिमम 7 से 8 घंटा पानी में भिगो कर रखिएगा। फिर 8 घंटे बाद ये सभी को मिक्सचर में डाल के एक बढ़िया सा बैटर बना लेंगे। फाइन पेस्ट कीजिएगा। फिर एक बर्तन में ये डोसा का बैटर निकाल लेंगे और अपने हाथों से 8 से 10 मिनट तक अच्छे से उसे मिलाएंगे ताकि ये अच्छे से फूल पाए। 8 से 10 मिनट बाद इसको ढक के 6 से 7 घंटा के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। 7 घंटा बाद देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर फूल गया है। अब चलते हैं अगला प्रोसेस में। इसमें ऐड करेंगे नमक और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस प्रकार, अगर आपको गाढ़ा लग रहा है, गाढ़ा ही लगेगा क्योंकि फूलने के बाद वो अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है। फिर थोड़ा पानी मिला के सभी को अच्छे से मिला लेंगे और अपना डोसा का बैटर तैयार है। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं डोसा के लिए मसाला बनाने के लिए। मसाला के लिए पहले हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे तेल, फिर डालेंगे मूंगफली और मूंगफली को फ्राई करके निकाल लेंगे। ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो तो ही निकाल लीजिएगा, ज़्यादा फ्राई करने से कड़वा हो जाता है। अब वही बचा हुआ तेल में जाएगा जीरा, फिर डालेंगे हरा मिर्च, फिर इसमें जाएगा कड़े पत्ते। आप कच्चा भी डाल सकते हो, मेरे पास कच्चा नहीं था इसलिए मैंने सूखा यूज किया। फिर इसमें जाएगा प्याज, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का लीजिएगा और सभी को अच्छे से मिला के प्याज को 3 से 4 मिनट तक ऑयल में भुनेंगे। मसाला जैसे नहीं बनाना है, पर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उतना ही भुनेगा। देखिए जैसे थोड़ा ब्राउन हो जाए प्याज हमारा, अब इसमें जाएगा टमाटर। अब इसमें डालेंगे नमक और सभी को अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर थोड़ा पक जाए। 3 मिनट बाद चेक कर लेते हमारा टमाटर पका कि नहीं पका। हमारा टमाटर पक चुका है। अब इसमें डालेंगे सूखा मसाला। सूखा मसाला में हम यूज करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जाएगा इसमें चाट मसाला। थोड़ा चटपटा स्वाद के लिए हमने इसमें चाट मसाला ऐड किए। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा फ्राई किया गया मूंगफली जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे। फिर इसमें जाएगा उबला हुआ आलू और सभी को अच्छे से मिला के 1 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद सभी को अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम को कर देंगे अप। डोसा के लिए हमारा मसाला बनके रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब गैस पे चढ़ाएंगे तवा, डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। याद रखिएगा, जिस तवा में रोटी बनता है उस तवा में कभी भी डोसा नहीं बनेगा। फिर 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे और तवा को अच्छे से साफ कर लेंगे। अब इसमें जाएगा डोसा वाली बैटर और बीच में से
धीरे 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 चारों तरफ फैलाएंगे और पतला बनाएंगे डोसे को। बहुत आराम से धीरे धीरे फैलाने का, और एक मिनट पकाएंगे। फिर इसमें जाएगा एक चम्मच तेल। आप देख सकते हो धीरे 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 किस प्रकार हमारा डोसा पक रहा है। जैसे धीरे धीरे आप देखिए चारों तरफ से बीच में से थोड़ा ब्राउन दिखने लगा, मतलब नीचे वाला पोर्शन पक चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच आलू का मसाला। अब इसमें जाएगा पतले पतले कटा हुआ गाजर, फिर जाएगा बीट रूट। अब इसमें डालेंगे प्याज। अब आप देखिए धीरे धीरे किस प्रकार हम डोसे को पलटाएंगे। आप देख सकते हैं ये प्रोसेस करने में थोड़ा दिक्कत आएगा आपको अगर आप पहली बार कर रहे हो। बड़े आराम से एक तरफ से डोसे को निकाल के फोल्ड करेंगे। ऐसे तो दुकान पे रोल करते हैं, वो तो मेरे से नहीं हुआ क्योंकि पहली बार मैं ट्राई कर रहा था। फिर इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे ताकि थोड़ा ये क्रिस्पी बन जाए। अब दूसरे साइड को पलट देंगे। अब देखिए हमारा एक साइड परफेक्ट डोसा बन के रेडी है। अब चलते हैं सर्विंग के लिए। गर्मा गर्म मसाला डोसा विथ सांभर विथ चटनी। आइए संडे का मजा लेते हैं, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मसाला डोसा विथ सांभर विथ चटनी। मम्मी जी के आइडिया से हमने बनाने के लिए कोशिश की है मसाला डोसा। आप भी आपके मम्मी से पूछकर संडे के दिन कुछ नाश्ता तो बनाइए और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।